अखिलेश यादव की हमने मानी के नाम है 190 सीट आ जाती तो सरकार नहीं बना पाएगा, बस 203 में सरकार बना पाएगा, और हमारी अगर 15 भी आ जाती तो मिला की सरकार बनेगी, हमारी हिस्सेदारी होगी। जिससे पिटके बनेंगे योगी है मोदी, वो खूटा भी वैसे निकाल रही हूँ, लूटने बीजेपी सरकार चलाने वालों ने। तीन बार गवर्नमेंट में क्या दिया उन्होंने, क्या दिया? कुछ नहीं बोले, नाम देते बदनाम करते। सुनो, वो अगर बातिल की राजनीति कर रहा है तो उसको इंसाफ की राजनीति पर लाएं और फिर उनके साथ आएंगे। जालिम के बारे में मानता हूं आपकी बात, समाजवादी। जालिम ना कहूं तो क्या कहूं, उस ठग को ठग ना कहूं तो क्या कहूं, रात को रात ना कहूं तो दिन कहूं। गठबंधन नहीं करेंगे आप, गठबंधन नहीं करेंगे फिर आप। जालिम ना कहूं तो क्या कहूं, उस ठग को ठग ना कहूं तो क्या कहूं, रात को रात ना कहूं तो दिन कहूं। गठबंधन नहीं करेंगे आप, गठबंधन नहीं करेंगे फिर आप। आप करा दीजिए हमारा गठबंधन, तो फिर जालिम से क्यों करेंगे गठबंधन? हाँ, जालिम को अपने तो आप ये कहना सकता, आप ये कहना, आप ये कहना चाहते हैं कि जालिम कभी इंसाफ पे नहीं आ सकता? क्यों फिर आप इंसाफ को, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हर इंसान को, हम चाहते हैं कि हर जालिम, हम पहले बात मुकम्मल सुने, हम चाहते हैं कि हर जालिम को राह हक पे लाएं, हम चाहते हैं कि उसके मौकिफ को दुरुस्त करें, वो अगर जुल्म की राजनीति कर रहा है तो उसको हक की राजनीति पर लाएं, वो अगर बातिल की राजनीति कर रहा है तो उसको इंसाफ की राजनीति पर लाएं और फिर उनके साथ आएंगे। जालिम के बारे में मानता हूं आपकी बात, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जालिम है, बीजेपी भी वही है। अभी आपने जालिम बोला था शब्द इस्तेमाल, ऑफ कोर्स यस, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं आप लोग? नहीं जा सकते। क्यों? एक जालिम है, एक के साथ आप हाथ मिला सकते हैं, दूसरे जालिम के साथ आप हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर बीजेपी कहे कि मुसलमानों को वो बराबर का हक देगी, अगर उसके अमल से जाहिर हो कि वो मुसलमानों को बराबर का हक दे रही है, अगर वो कहे कि आपको यहाँ पर मुकम्मल हकूक दिए जाएंगे, आप यहाँ रहें, और अगर आप मुकम्मल हकूक की बात करें तो क्यों नहीं, हम उनके साथ आने को तैयार हैं। वो कहे तो सही, वो अमल से दिया, कहने में और करने में, फर्क होता है। कभी आप ये कह रहे हैं कि कह देंगे तो हम आ जाएंगे, इसका जवाब, इसका जवाब दे रहा हूँ। अब जब कह दिया तो जवाब सुन लो। आप मेरी बात, आप मेरी बात सुने, इस बात को इस तरह कहें आप, मैं इसको साबित करूंगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि दूध का जला फूक भी, छाछ भी फूक मार मार के पीता है, तो हम जल चुके हैं तो हम छाछ फूक मार मार के पिएंगे? आप जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और एनआरसी और सीए के एहतजाज में आप गोलियां चलवा देंगे, हमारे नौजवानों को जान से मार, पहले बात सुने, हमारे नौजवानों को जान से मार देंगे आप, उनको गोलियां चलवा देंगे, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन होगा तो आप अपनी पुलिस को वहां से भी बुला लेंगे कि हंगामा ना हो। यह है सबका साथ सबका विकास। इस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या हमारा संविधान ये कहता है कि एक खास कम्युनिटी पर जुल्म किया जाए और दूसरी खास कम्युनिटी को पूरे हक दिए जाएं? अगर बीजेपी यही कहेगी तो ये भी जालिम है, और इस जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए इंशाल्लाह तन मन धन की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह इसको हराएंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा, कहिए, एक अच्छी एक बुरी है, तो ये बताइए पहले अच्छी बात बताओ आपको या बुरी बात? पहले बुरी बताओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी बीजेपी की रैली हुई, बीजेपी की रैली में उन्होंने साफ मथुरा के ऊपर टारगेट किया है। अभी बाबरी की मसला खत्म हुआ था, मथुरा पे शुरू कर दिया है बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे मथुरा को लेकर आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर किसी कमज़ोर को उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाकर उसके हुकूक को दबाना चाहते हैं तो एक आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी है, एक आवाज़, एक बदला लेने वाली आवाज़, और बदला लेने की लाठी अल्लाह की भी है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और वो आवाज़ और वो लाठी इंशाल्लाह आपसे बदला लेगी। अगर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर आप कमज़ोरों को सताना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह फिरौन सताता था, जिस तरह नमरूद सताता था, जिस तरह हिटलर सताता था, तो याद रखिएगा आपका अंजाम भी हिटलर नमरूद फिरौन की तरह होगा। योगी जी ने साफ कर दिया, मथुरा पे निशाना है योगी जी का। हाँ, तो फिर कहाँ है वो, कहाँ क्या हो? ऐसी साहब ने अभी तो कहीं पे भी नहीं बोला मथुरा को लेके। हाँ। लगातार योगी जी टारगेट कर रहे हैं। क्यों, आप भूल गए कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो वही शख्स वैसी थे जिसने कहा था कि मैं अपनी कौम और अपने इन तमाम नौजवानों को बताऊंगा और चीखूंगा और चिल्लाऊंगा और कहूंगा कि यहाँ पर मस्जिद थी, इन्होंने जुल्मन मंदिर बनाया है, मैं अपनी कौम को और अपनी नस्ल को बताता रहूंगा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी ताकत में आकर मस्जिद बनाई है, जिस रोज हमें मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह इंसाफ के साथ उसी जगह पर मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी भी मथुरा को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रही है, कहीं ना कहीं मुद्दा बन चुका है हिंदू वोट पाने के लिए।
अभी तक अयोध्या था, अब मथुरा की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप लोग कुछ नहीं बोलते? समाजवादी पार्टी को नहीं बोलते हम, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को हम वास्ता देते हैं उनको, उन तमाम वोटों का जो हमने चार बार उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप अगर हुकूमत में नहीं रहेंगे तो अपोजिशन नहीं करेंगे आप, यानी आप अगर हुकूमत में रहेंगे तो आप यादवों को नवाजेंगे, बड़े बड़े ओहदे उनको देंगे। यादव बड़ी के साथ नहीं है ना, हाँ क्योंकि कहते हैं वो ना, कहते हैं ना कि एम वाई कॉम्बिनेशन, एम वाई कॉम्बिनेशन की बात तो करते हैं ना। मैं अब आपको एक अच्छी जो मैं बता रहा था, अभी टाइम्स नाउ की खबर आई है कि ज्यादातर अब एमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में छाती हुई नजर आ रही है, शायद इस बार एमआईएम के पाले में काफी हद तक वोट जाए। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर? आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप जैसे न्यूज चैनलों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हकीकत दिखाई है, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने असद साहब और उन तमाम पार्टियों को जो हक पर डटी रही उनको कवर किया है, और इस तमाम नौजवानों को, यूथ को आपने आगाह किया और इनको जिंदा किया और इनके शूर को बेदार किया, सो आपका शुक्रिया। और जहां तक आपने टाइम्स नाउ की बात की है तो टाइम्स नाउ ठीक ही कहता है, इसलिए कि जब आप किसी कम्युनिटी पर जुल्म करना शुरू कर देंगे, जब आप उनको दूसरे नंबर का शहरी बना देना चाहेंगे, तो फिर उस वक्त होगा यही कि एक आवाज़ उठेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी की आवाज़ थी, जिस तरह अफ्रीका में गोरों के खिलाफ काले नेल्सन मंडेला जी की आवाज़ थी, जिस तरह मक्का में मक्का और अरब के जालिमों के खिलाफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी, बिल्कुल इसी तरह एक आवाज़ उठेगी और वो आपका सत्यानाश करेगी और आपको कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। बाकी लोगों से भी बात करूंगा। क्या कह रहे थे आप? युवा है आप, लगातार वैसी साहब की स्पीच सुनी आपने, जोश आया आपके अंदर? बिल्कुल आया जोश है आप लोगों के अंदर। क्या लगा आपको वैसे साहब की स्पीच सुनने के बाद, यहाँ पे आएगी सरकार? इंशाल्लाह जरूर आएगी, लगता है इंशाल्लाह सरकार नहीं आए लेकिन हमारे सीट्स कुछ आएंगी इंशाल्लाह, सीट कुछ आएंगी जी। में लगता है आप लोग कुछ खेल कर पाएंगे, हिस्सेदारी मिलेगी हमें, इंशाल्लाह हिस्सेदारी तो हमारी होगी। हिस्सेदारी किस चीज की? इस चीज की मिलेगी, इस चीज की हिस्सेदारी मिलेगी हमें, इस चीज की। और अखिलेश यादव की हमने मानी के नाम है 190 सीट आ जाती तो सरकार नहीं बना पाएगा, वो 203 में सरकार बना पाएगा, और हमारी अगर 15 भी आ जाती तो मिला की सरकार बनेगी, हमारी हिस्सेदारी होगी, खेलने देंगे अकेले की, हम इससे दार मिलेंगे ना, बराबर होगी, हमारी 15 आएगी सरकार बनी ना बन गई, कहा तो था सरकार बनी नहीं, अगले दिन 90 भी आ गई और हमारी 15 भी आ गई तो हमारी हिस्सेदारी के बिना सरकार नहीं बना पाएगा। वो 15 में क्या कर लेंगे, जब हिस्सेदारी मिलेगी हम देश सीएम बनेंगे, उसमें हम देश सीएम 15 बनेंगे, क्योंकि जब वही जो आपने बोला कि 15 में क्या कर लेंगे, 15 में क्या रिप्रेजेंटेशन नाम की एक चीज होती है कि नहीं होती है, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसमें, हमारा जरूरी नहीं है कि उसके लाने के लिए, मतलब हमें पावर में आने के लिए 200 की जरूरत नहीं है, नहीं होगा दो, अरे क्यों, जब हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होगा, हमारा भी एक नुमाइंदा वहाँ पर होगा तो क्यों होगा, क्या हम उसको रेस्ट्रेन नहीं करेंगे, क्या हम रेस्ट्रेन नहीं करेंगे उस चीज को, ये बताइए आप, आप कैसे कह रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेशन को 190 सीट अखिलेश 190 सीट ले लेंगे तो उसमें मुसलमानों का क्या है, तीन बार गवर्नमेंट में क्या दिया उन्होंने, क्या दिया, कुछ नहीं बोले, नाम देते बदनाम करते हैं, सुनो अरे इधर अगर 15 सीट एमआई लाती है तो कम से कम वो हमारी तो है, हमारी पहचान तो है कि हमारी है, अखिलेश को अगर हम 200 भी दे दें तो हमारी पहचान है, पहले किसको वोट, पहचान नहीं समाजवादी को देते, अब तो हम अगर यहाँ ओबीसी भी नहीं आते कोई नहीं आता, तो भी हम पसंद को ही भड़काने का नहीं करते, बीजेपी को काम करते, बीजेपी कितने भड़काऊ भाषण दे रही, कितने कितना बोल रही, वो उन्हें जवाब कौन देवे, कौन देवे जवाब उन्हें, जिसके ऊपर जुर्म कर रहे हैं तो जवाब हम ही तो देंगे उन्हें, हमारा भाई देगा, वैसे हमारे भाई हैं वो जवाब देंगे, लाल पहन के आए लाल से कौन लिए शेर बोलूंगा, कि बड़े दुख झेले हैं आजादी की समझ लाने वालों ने, बड़े दुख झेले हैं आजादी की समझ लाने वालों ने और इस देश पर हुकूमत की चोर गिराने वालों ने,
चंबल घाटी वालों ने दो चार घरों को लूटा था, चंबल घाटी वालों ने दो चार घरों को लूटा था, इस देश को लूट ले बीजेपी सरकार चलाने वालों ने। समाजवादी के भाई साहब हम अब तक थे, अब तक थे, अब यही रहेंगे, अब तक पार्टी यही चलेगी। वैसी साहब कारगर होगी, उन्होंने जो बात बोली है एक एक हक बात बोली है, एक हक बात, एक हक की बात बताइए। पांच अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट रुको, अभी किसी ना किसी को पछाड़ा नहीं है, और जिस तरह पिटके बनेंगे तो दोनों मुल्लू पट्टे तो खुद अभी वैसे ही गाड़ नहीं है, फिर से तेज थोड़ा आवाज नहीं आई किसी को, अभी किसी ना, अरे एक सेकंड, अभी किसी ना किसी को पछाड़ा नहीं है, ये महफिल है, अखाड़ा नहीं है, जिससे पिटके बनेंगे योगी है मोदी है, वो खूटा भी वैसे निकाल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, लग रहा है कि आप लोग किंग मेकर का काम कर पाएंगे इंशाल्लाह, 100 सीटें भी अभी पक्का नहीं है आप लोगों की, अभी मेरा शेयर हो रहा है, अभी मेरा शेयर सुना रही यार, किंग मेकर ही बना आया मौसम प्यार का और मजा लुटो दोस्तों बाहर का, और हमें ख्वाहिश थी चीपू की और ये दाना है अनार का। आपसे एक सवाल है, आपने अभी कहा था कि इन भड़काऊ भाषणों से आप जो है इस तरह से मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन लेंगे, तो आपने अभी एक घंटे तक सदर साहब को सुना, क्या आपने कोई भी एक अल्फाज अगर पकड़ा हुआ है सर सदर साहब ने? मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ और कानून को अच्छे तरीके से समझता हूँ, समझे, और मानता भी हूँ उसको, लॉ अबाइडिंग पर्सन। चलिए आप योगी जी की बताइए, कहाँ कानून का उन्होंने उल्लंघन किया अपनी? योगी जी के आपको बता दीजिए, पचास बता रहा हूँ योगी जी ने सीधा सीधा मुस्लिम को एक बार नहीं हजार बार कंडेम किया, कहा है इज्जत सिटीजन है इस कंट्री के, ठीक है, और लॉ अबाइडिंग पर्सन है, उन्होंने उनको निजाम कहा और कहा कि हैदराबाद के निजाम की तरह खदेड़ देंगे, क्या मजा है उनकी? तो यहाँ से भी तो लगातार गोलियां चलती हैं यार, और वैसे साहब कहते तो अतीक साहब की जुबान बोलेंगे, क्या दर्शाना चाह रहे हैं वो? नहीं, अतीक साहब की जुबान नहीं है, हमारे कानून ने हमें बोलने का हक दिया है, आप इस तरह बातें बनाकर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, जो हमें हमारे कानून ने दिया है, हमारी आवाज को दबा सकते हैं, ये क्या पता है ये क्या होता है, ये हूल देने वाली बात होती है, ये क्या होता है, एक धमकी देने वाली गीदड़ भक्की है, ये गीदड़ भक्की का हम नहीं डलने वाले हैं। क्या मजबूरी हो गई बाहुबली नेता को के बारे में बताना पड़ रहा है कि वो अच्छे हैं? अरे सब मकान झूठा हार गए, एक मिनट अब कोई बात नहीं चलेगी, अब चल रही पतंगबाजी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।